गाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब मतलब से पहले बिके रहो, बिके रहो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर है और अपने नौकरी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बार फिर जो बीटेक के अभ्यर्थी हैं वो पटना के गांधी मैदान में जो है सातवीं फेज से पहले बीटेक की जो परीक्षा है वो प्रक्रिया आयोजित करने की जो मांग है वो कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि 2017 के बाद अभी तक बीटेक की परीक्षा नहीं हुई है। 2017 से 22 के बीच जो लाखों प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका दिया जाए और हर वर्ष जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा करा जाए। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या मांगे हैं उनकी, क्या मांगे हैं आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हम DLED अभ्यर्थी, हमारी मांग है कि बिहार सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 कराएं, इसलिए कि प्रत्येक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से पहले ठीक एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, लेकिन 2022 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के पहले सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं कराना चाहती है। हमारी मांग है कि शिक्षक भर्ती होने से पहले एक बिहार सरकार पात्रता परीक्षा कराए जिसमें हम लोग भाग लेकर एक अच्छा शिक्षक बन सके। आप लोग मुंडन भी करने वाले हैं, जदयू कार्यालय का भी घेराव करेंगे? यस सर, करेंगे। हम लोग कुछ साथी मुंडन करवाएंगे और जदयू कार्यालय भी जाएंगे हम लोग। वहाँ सर, मतलब नीतीश सरकार के खिलाफ जो है आप लोग विरोध? नहीं, विरोध नहीं करेंगे। नीतीश सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि हमारी मांग के आप सुनिए। आपके मतलब कि राज्य के पढ़े लिखे युवा सड़क पर आज आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। हमारी मांग को आप सुनिए और पात्रता परीक्षा कराइए कि बिहार में एक सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था हो। देखिए, एक विकलांग अभ्यर्थी कहाँ से आए हैं? रोहतास जिला से आए हैं। नहीं सुन रही है सरकार? नहीं सुन रही है। 17-18 दिन से धरना पर रहे हैं हम लोग। सातवां चरण से पहले बीटेक कराया जाए, जितना पैसा लगाकर अगर बीटेक नहीं कराया जाएगा तो केंद्र सरकार या वैकेंसी तो लेगी, उसमें हम दूसरे जिले में जाए, दूसरे स्टेट में जाएंगे, उसमें हमारी हम लोग को बिहार नहीं सुन पाएगी। तो क्षेत्रीय अगर राज्य रहेगा तभी ना हम लोग जाएंगे। हर साल एक 5 साल से बीटेक नहीं हो रहा है, तो आखिर 5 लाख से ऊपर लड़के हैं ना, लोग कहाँ जाएंगे? बिहार सब बेरोजगार हैं। सरकार दिव्यांग कहती है जो विकलांग है, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है सर, हम लोग को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आरक्षण भी कहती है कि देते हैं हम विकलांगों को, लेकिन कुछ कहाँ कोई मूल्य। इतना दिन से सुन रहे बैठे हैं, अभी तक जब तक मांग नहीं पूरी यहाँ से नहीं हटेंगे हम लोग। आगे क्या करेंगे आप लोग? इतने दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं फिर भी सरकार नहीं सुन रही है आपकी। तो अपना मुंडन का प्रोग्राम है, मुंडन भी होगा और आज के बाद जदयू कार्यालय का घेराव होगा। और सरकार के खिलाफ को आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द नौकरी? हाँ, जल्द से जल्द अपनी मांग को पूरा करने के, जब तक नहीं होगा अपना धरना पर ठाने रहेंगे। धरना कर रहे हैं आप लोग, क्या मांगे? 7 फेज से पहले बीटेट का आयोजन हो। सर, इतने दिनों से आप लोग धरने पर हैं लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही, क्योंकि सरकार अंग्रेज की नीति अपना रहे हैं, संवैधानिक का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये हो रहा है। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग लास्ट में आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह करने से हो जाएगा, सरकार सुन रही? अगर इस राज्य में रह के संवैधानिक का पालन ही नहीं करें होगा तो हम लोग जी के रह के क्या करेंगे? जिस स्टेट में रह रहे हैं उसमें मेरा ये भारतीय संविधान का इसमें पालन ही नहीं होगा, फिर हम लोग जी के रह क्या करेंगे? तो ये थे जो बीटेट के अभ्यर्थी हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार जल्द से जल्द नौकरी दे, नियोजन प्रक्रिया कराए, नहीं तो हम आत्मदाह करेंगे। और आज उन्होंने मुंडन कराने का और जदयू कार्यालय को भी घेरने का जो है इन्होंने फैसला लिया है। सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश सरकार के पास जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हमें जल्द से जल्द नौकरी दे, फिर भी सरकार नहीं सुनती है, तो आखिर में हमें आत्मदाह करने पर मजबूर होना होगा। आगे ही क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे द एच डी न्यूज़ के साथ और देखते रहे द एच डी न्यूज़।